हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हड़प्पा सिंधु सभ्यता से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा दूसरा सेट है। यदि आप लोग पहला सेट को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुलभित कीजिए। सूची एक में स्थल दिया है और सूची दो में नदी दिया है। तो देखिए, स्थल कौन से नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो देखिए, हड़प्पा जो जगह था वो रावी नदी के किनारे ही स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और लोथल जो जगह है वह भगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो ये सामने सामने ही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अरावली? तो इसका सही उत्तर क्या है? कालीबंगा है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चहुंद्रड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चिन्ह रामकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चिन्ह रामकन मिलता है? तो याद रखना, आद्य शिव का मिलता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? कालीबंगा, रोपड़, वड़ावली, लोथल? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो याद रखना, लोथल। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो उसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? तो इसका करेक्ट आंसर है बैल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? तो हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, याद रखना, लोथल जो है भारत में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? हड़प्पा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में? तो
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखना, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। अब देखिए, लोहे से लोग लोहे से परिचित थे, जो कि असत्य है। तो यही करेक्ट आंसर है, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लोग लोहे से परिचित थे, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, सूची एक को सूची दो से सुलमित करना है। सूची एक और सूची दो दिया है। देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का क्या नाम है? तो मांडा है, जो कि जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा का क्या नाम है? दैमाबाद ही है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा का क्या नाम है? आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी सामने में ही दिया है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा का क्या नाम है? सुतका गेंडर है, जो कि बलूचिस्तान में है। तो सामने सामने में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखना, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो याद रखना, रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।